नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट स्किल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि कैसे नोटपैड प्लस प्लस जो एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से हम HTML कोडिंग कैसे करेंगे। तो ये आज हमको बताएंगे कि कैसे नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तथा HTML प्रोग्रामिंग के लिए उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आपको यह प्रोसेस आज सिखाया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर शांति से इस ऑप्शन को, इस प्रोसेस को सीखिए और अपने HTML प्रोग्रामिंग को और भी आसान बनाइए। यह है नोटपैड प्लस प्लस का वेबसाइट। यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, नोटपैड प्लस प्लस। अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में होगा, जैसे 64 बिट होगा तो 64 बिट वाला, और 32 बिट होगा तो 32 बिट वाला नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस पर सीखेंगे कि कैसे ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाएगा और कैसे उसके बाद इसको रन करके और इसमें हम HTML कोडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ से क्लिक करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर रखा है, इसको डबल क्लिक करिएगा, एक मैसेज आएगा ये, इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर ओके करिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट रहना चाहिए, फिर इसको नेक्स्ट कर लीजिए, नॉर्मल इंस्टॉलेशन एग्री हो जाइए, नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये विद इन 2-3 सेकेंड्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, रन नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ ऑप्शन टिक है, मतलब कि ये अगर टिक है तो आप जैसे फिनिश करिएगा नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिनिश करते हैं हम लोग। देखिए ये नोटपैड प्लस प्लस हमारा ओपन हो गया है, इस पर एक ये बाई डिफॉल्ट पेज इसमें आ गया, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से नोटपैड यहाँ इंस्टॉल होकर उसका आइकन आ गया है, ये देख रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन होकर हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद इसमें देखिए कैसे काम करेंगे। हमने हमारे पास देखिए एक न्यू पेज ओपन है जिसमें न्यू वन लिखा हुआ है। देखिए इसको पहले ये पेज अभी आप टाइप करिएगा ना, तो टैग्स देखिएगा HTML आप ऐसे टाइप करना पड़ रहा है, फिर HTML भी द्वारा देखिए वो एक लिंक आया लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर HTML का जैसे पेज टाइप कर रहे हैं नोटपैड में तो आपको इसको इसका लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ देखिए ये सब टैब्स बने, इसमें चले जाएंगे लैंग्वेज में, यहाँ से H वाले में आएंगे। ठीक है, H वाले में ये दो ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें से हम HTML सेलेक्ट, देखिए जैसे HTML सेलेक्ट करेंगे ना, ये हमारे टैग्स का कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये देखिए है ना, तो टैग्स का कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। पहले क्या था कि जब ये नॉर्मल था, जैसे एक न्यू कर लेते हैं हम, और यहाँ हम कोई टैग लिखते हैं HTML, और ठीक है अभी देखिएगा इसका कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देने वाला है, देखिए जैसे ये हमारा HTML में चेंज हुआ ना, आप जैसे एंकल ब्रैकेट लिखिएगा और कोई टैग लिखिएगा बी, देखिए एक लिस्ट ओपन होकर आपके पास आ जाएगा। जैसे हमको बॉडी लिखना था तो बी हो करा, बॉडी आ गया, टैब दबाइए, बॉडी सेलेक्ट हो जाएगा और एंकल ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही बॉडी क्लोज करना है तो यहाँ पे जाइए स्लैश बॉडी आ गया और क्लोज। ठीक है, आपको पूरा टाइप करने का नहीं ज़रूरत है, यहाँ पे जैसे आपने टाइप कर दिया HELLO हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख के और इसको फाइल को सेव कर लीजिए। देखिए जब आप फाइल सेव करने भी जाएंगे ना तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ ये सेव का स्क्रीन जो है ना, यहाँ पे देखिए नीचे साइड में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको HTML और .htm एक्सटेंशन शो कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये। तो आपको इस बार अब फाइल सेव करते समय यहाँ पे फाइल का नाम केवल लिख देना है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, चाहे माई फर्स्ट HTML कोडिंग। ठीक है, ये करके
आपको पहले क्या मैं बताया था कि वो .html लिखना है और इन्वर्टेड कोमा देना है, ये नहीं देने की जरूरत है। नोटपैड प्लस प्लस में ये ऑटोमेटिक सेव है, HTML में हो जाएगा इसको। और कहाँ सेव हो रहा है, नोटपैड में आप डेस्कटॉप पे कर लीजिए, यहाँ से चेंज और सेव कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है रन करने के लिए, आप यहीं से क्या कर सकते हैं, फाइल में जाइए, ठीक है, और यहाँ से ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर पर क्लिक करिए। देखिए ऑटोमेटिक गूगल क्रोम में ये डिफ़ॉल्ट व्यूअर में खुल के आ जाएगा और आपका यहाँ पे आउटपुट देखिए ये पेज दिख रहा है ना, और ये पेज का आउटपुट आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं और नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है नोटपैड प्लस प्लस से HTML प्रोग्रामिंग करना।